हेलो एवरी वन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बुक्स एंड स्टडी मटीरियल यू शुड रिफर फॉर प्रिपेयरिंग योर लेट साइकोलॉजी एग्जाम ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन बेसिक बुक्स कि ये वो बुक्स होती हैं जो आपको uh, एक ओवर व्यू के लिए नेसेसरी है यूनिट वाइज बुक्स आने से बेहतर है कि आप पहले इन बुक्स को कवर कर लें और उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ आपको फर्दर किसी इम्प्रूवमेंट uh, की ज़रूरत है तो आप आगे यूनिट वाइज कवर कर सकते हैं तो बेसिक बुक के लिए सिसरेली बैरन एंड एटकिनसन एंड हिलगार्ड डीज थ्री बुक आर वेरी बेसिक एंड वेरी गुड बुक बहुत अच्छी हैं और सारे टॉपिक्स बहुत ही क्लियर दिए हुए हैं तो आप इन तीनों को रेफर कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट और अगर आप चाहो तो कोई एक बुक भी ले सकते हो बट ससरेली मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड आई विल सजेस्ट सिसरेली ज़रूर मस्ट होनी चाहिए बाकी बैरन और एटकिनसन एंड हिलगार्ड में से आप अपना चूज़ कर सकते हो दैट विच वन सूट्स यू कौन सी आपको ज़्यादा बेटर लग रही है उसके बाद हिंदी मीडियम के लिए जो बुक बेस्ट है दैट इज़ ए के सिंह सो so, इसके इस बुक के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है जितना भी मटेरियल अवेलेबल है इस बुक में बहुत है सफिशियंट है सो दिस बुक इज़ गुड इनफ़ फॉर हिंदी मीडियम यूनिट वाइज की अगर बात करें तो यूनिट वन में कोई एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है कोई सेपरेट बुक लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बुक में आपको सारा सिलेबस मिलेगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है एक अलग बुक लेने का सो दैट इज़ वाई आई विल रिफ़र कि आप ऑनलाइन कंटेंट यूज़ करिए जितना भी मतलब आपके सेलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हें ऑनलाइन सर्च करें और उनके एक शॉर्ट uh, नोट्स की तरह प्रिपेयर कर लें बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म कर लें यूनिट वन की और उसके बाद uh, हाँ और कुछ आई हैव सर्टन पी डी एफ्स जिसका आई विल मेक अ फ़ोल्डर एंड शेयर द लिंक तो आप वहाँ से उसके डाउनलोड कर सकते हैं uh, जो मैंने रिफ़र किए थे वाइल प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम यूनिट टू के लिए रिसर्च मेथडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स दो पार्ट हैं तो रिसर्च के लिए ए के सिंह बुक इज़ वेरी गुड बुक और इसके अलावा एक सी आर कोठारी की भी बुक है दैट इज़ ऑल्सो अ गुड वन तो आप दोनों में से कोई भी एक परचेज कर सकते हो बोथ आर बेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करने के लिए एस के मंगल एंड गैरेट दीज टू आर द बुक्स जो अच्छी हैं तो दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे ओके एंड यू कैन कवर द जो भी आपके सेलेबस में मैंशन है वो आप पूरा इन बुक्स से कवर कर सकते हो यूनिट थ्री इज योर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग तो कुछ पार्ट आपका ए सिंह में है और कोठारी में भी दिया हुआ है जो आप रिसर्च के लिए यूज करेंगे तो uh, वहाँ से आप उसे कवर कर सकते हैं अदरवाइज एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बाई का इज अनदर बुक स्पेशली फॉर साइक्लॉजिकल टेस्टिंग तो वो आप रिफर कर सकते हो दैट इज़ अ गुड बुक देन यूनिट फोर इज बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर तो जिन्होंने कभी भी साइंस साइड नहीं पढ़ा है जो साइंस साइड के नहीं है उनको इस यूनिट में बहुत दिक्कत आती है सो so, इसके लिए आई विल से कि आपके पास जो बेसिक बुक्स हैं ठीक है ठीके? जो भी आप पर्सनली रिफ़र कर रहे हो लाइक अगर आप सिस रैली पढ़ रहे हो तो पहले आप सिस रैली से उस बायोलॉजिकल बेसिस का जो चैप्टर उसमें दिया हुआ है उसको आप वहाँ से कवर कर लें उसके बाद आई विल से कि बैरन और एटकिनसिन इन हिलगार्ड के अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो वो बुक आपके पास नहीं है आप रेफ़र नहीं कर रहे हो तब भी आप इन दोनों बुक से इन चैप्टर्स का प्रिंट आउट निकाल लें पी से ठीक है और उनको भी रेफर करें और इतना सफिशिएंट होगा इतने से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म हो जाएगी और इसके आप नोट्स बनाते जाएं एंड रिवीजन इज मस्ट एंड मस्ट फॉर दिस यूनिट ओके तो ये है कि आप बेसिक बुक्स के इन एक तीनों बेसिक बुक से इस चैप्टर के प्रिंट आउट निकाल लें और उन तीनों चैप्टर्स को तीनों बुक के तीनों तीन चैप्टर्स को पढ़ें उसके बाद वेरी वेल माइंड डॉट कॉम इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट जिसमें काफ़ी ईजी तरीके से अच्छे आर्टिकल्स हैं सिर्फ बायोलॉजिकल बेसिस के नहीं कई सारे सारे टॉपिक्स के आर्टिकल्स दिए हुए हैं सो वहाँ से भी आप बायोलॉजिकल बेसिस को पढ़ सकते हो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करने के लिए वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप एक आर्टिकल से तो uh, ये ऐसा uh, ही हो जाता है इससे कि अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है या टेंथ तक कि हम सब ने पढ़ा था उसके बाद अगर नहीं पढ़ा है तो uh, यहाँ से इतना पढ़ने की ज़रूरत है और उसके बाद आई विल से कि आप एक अलग बुक ना ख़रीदें इसके लिए क्योंकि आ, उसमें फिर बुक बहुत ज़्यादा हो जाती है उसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा पढ़ने की और इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत है सिर्फ़ ऊपर ऊपर की चीज़ें जो आपकी बेसिक बुक्स के चैप्टर में दी हुई हैं दैट इज़ गुड इनफ आई थिंक उसके अलावा जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हो कि कौन से टॉपिक्स आए हैं तो उन टॉपिक्स को पर्टिकुलर जाके आप पढ़ सकते हो ओके यूनिट फाइव सिक्स एंड सेवन ये बुक्स आपके ये जो यूनिट्स हैं ये आपकी बेसिक बुक्स जो अभी आप यूज़ कर रहे हो उससे कवर हो जाएंगे और कहीं अलग से इसके लिए कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है यूनिट एट इज़ योर सोशल साइकोलॉजी तो पहले तो आप इसको जो भी आप बेसिक बुक यूज़ कर रहे हो वहाँ से पढ़ लें उसके बाद इग्नू एम ए साइकोलॉजी में सोशल साइकोलॉजी का पेपर है एक उसके अंदर फोर बुक्स हैं और फोर बुक्स के अंदर ईच बुक कंटेंट्स फोर यूनिट तो यानी कि टोटल सिक्सटीन यूनिट आई विल से टू डाउनलोड दिस फ्रॉम ई गान कोर्स गूगल से आप कर सकते हो ठीक है या तो ई कंटेंट ऐप आता है एंड्रॉयड ऐप है वो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से वो uh, बुक्स पढ़ सकते हो इग्नों की तो आई फाइंड कि वो बुक्स काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल उसमें दिया हुआ है तो चारों बुक्स की चारों यूनिट्स कवर करनी कवर कर लीजिए आप वो बहुत अच्छी हैं बहुत ही बेहतर तरीके से उसमें तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कवर किया हुआ है सो आई फाइंड देम वेरी यूजफुल यूनिट नाइन जो आपका है उसमें तीन चार टॉपिक अलग अलग दिए हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट आपकी बेसिक बुक से कवर हो जाएगा ओके okay, उसके लिए आपको कुछ अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है और अगर कुछ चीज़ें जो आपकी बेसिक बुक में नहीं दी होती हैं तो वो आप ऑनलाइन रेफ़र कर सकते हो सर्च करके और उसका नोट्स बना सकते हो उसके बाद साइकोपैथोलॉजी साइकोथेरेपी और काउंसलिंग ये भी आप इग्नू की जो बुकलेट्स हैं उससे कवर कर सकते हैं उसमें भी काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ें दी हुई हैं कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी फॉर्म हो जाएगी और कंटेंट बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है वो आपकी समझने भर के लिए काफ़ी है ओके यूनिट टेन इज अप्लाइड साइकोलॉजी जो स्मारक एंड स्वैन की है स्मारक यस उनकी रेफर कर सकते हो तो दैट इज़ अ गुड बुक उसमें भी आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ उतना पढ़ लीजिए जितना आपके सिलेबस में हेडिंग्स दी हुई हैं उसके बाद उसमें सब कुछ भी नहीं है इस बुक में जो आपके यूनिट टेन एमरजिंग एरियाज में दिया हुआ है तो जो चीज़ें आपको इस बुक में ना मिले वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं बट अगेन जो अगर आप अलग से ये बुक परचेज़ नहीं करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है इसके भी मैं एक फ़ोल्डर बना के जो भी मटेरियल मैंने रेफर किया था वैल माई प्रिपरेशन आई विल मेक अ फोल्डर ऑफ दैट एंड शेयर द लिंक तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर आप ये बुक नहीं भी रेफर कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जिस तरह से आपका यूनिट वन का अप्रोच रहेगा कि ऑनलाइन कंटेंट की तरफ जाइए सेम वही चीज़ आप यूनिट टेन में भी कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक दिए हैं आप उनको ऑनलाइन सर्च करके और उसके शॉर्ट नोट्स फॉर्म कर लें सो दैट विल बी सफिशेंट गुड इनफ ओके सो सम टिप्स आई वुड लाइक टू गिव कि आप अगर कोई सेपरेट बुक यूज़ कर रहे हैं लाइक like अगर आप सोशल साइकोलॉजी की बैरन यूज़ कर रहे हैं अलग से एक आपके पास बुक है ऑलरेडी तो उसमें भी आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है तो सिर्फ वही पढ़ें जो आपके सिलेबस में दिए हुए ऑल दो सिलेबस से अपार्ट भी चीज़ें आ जाती हैं बट बेहतर यही है कि अपने ट्रैक पर रहने के लिए सिलेबस की चीज़ें पढ़ें अदरवाइज आप नॉलेज के लिए पूरी बुक पढ़ सकते हैं दैट इज़ नॉट द इशू उसके बाद एम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो बेटर रहेगा और जितना जो भी आपको टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं इंस्टेड ऑफ़ फाइंडिंग बुक्स कि आपको बुक मिले उसके लिए बुक मुझे बहुत लोग बोलते हैं बुक सजेस्ट करें तो जो भी आपको टॉपिक नहीं मिल रहा है आपको पूरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जस्ट गो ऑनलाइन और आप उसको वहाँ से नोट्स बना सकते हैं ये मेरी पर्सनल अप्रोच है मैं यही करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा बुक्स की तरफ नहीं जाती हूँ इंस्टेड आई गो फॉर ऑनलाइन मटेरियल्स तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अच्छी हैं आप कहीं भी, भी तो यू कैन गो फॉर दैट एंड मेक शॉर्ट नोट्स आप अपनी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करने के लिए उसको बना सकते हैं और डेली रिविजन के थ्रू आपको याद हो सकती है वो चीज़ें उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं टॉपिक्स होते हैं जो सिलेबस में मैंशन डायरेक्ट नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं से वो आ जाते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहें उनमें जो भी टॉपिक्स आए हैं आप उसके अलग से एक नोट्स बनाते रहें तो वो ज़रूरी है क्योंकि आपको सब कुछ सिलेबस से ही आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कुछ चीज़ें बाहर से भी आ सकती हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा कि बाहर से क्या क्या आया हुआ है तो जब आप वो रिफ़र करोगे एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ आपको दो चार टॉपिक्स और मिल जाएंगे तो आप वो भी रीड करते हुए चलिए ये सोच के कि हो सकता है अगली बार ये नया टॉपिक है ये आ सकता है तो दैट इज़ नॉट द इशू आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए उसके नोट्स बनाइए एंड दिस इज द दिस इज इट फॉर दिस ओके सो बस इतना ही है आई विल शेयर द लिंक ऑफ यूनिट वन एंड टेन जो भी मटेरियल आई हैव रिफर्ड इफ यू हैव एनी डाउट और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और थ्रू माई टेलीग्राम चैनल ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन हैव अ गुड डे आइट